This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. अब आप इस क्रोम से जो चीज भी डाउनलोड करोगे वो डायरेक्ट आरटीपी में सेव होने के बजाय आपके पीसी या लैपटॉप में ही सेव होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैंने अपने चैनल पर फ्री आरटीपी से रिलेटेड बहुत सारा कॉन्टेंट अपलोड किया हुआ है, जिस कॉन्टेंट में मैं आपको डिफरेंट फ्री आरटीपी क्रिएट करना सिखाता हूँ। अब कुछ दिन पहले मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको गिटहब की फ्री लॉन्ग ड्यूरेशन वाली आरटीपी क्रिएट करना सिखाई थी। इस गिटहब की आरटीपी में आपको विंडो सर्वर मिलता है और फुल एडमिन एक्सेस मिलती है। इसी टाइप की वीडियो के नीचे मुझे बहुत सारे भाई लोगों के कमेंट आ रहे होते हैं कि भाई जो डाटा हम अपनी आरटीपी में डाउनलोड करते हैं, सेव करते हैं, उसको हम अपने रियल कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे ट्रांसफर करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो जबरदस्त मेथड बताऊंगा जिसके हेल्प से आप अपना सारा डाटा जो आप अपनी आरटीपी में डाउनलोड करते हो इजीली अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लोगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास एक आरटीपी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक गिटहब की फ्री आरटीपी बना ली है। अगर आप इस तरह की लॉन्ग ड्यूरेशन वाली फ्री आरटीपी बनाना चाहते हो तो आप हमारी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। तो जैसे ही आप फ्री आरटीपी क्रिएट कर लो, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने देखिए मुझे यूजर नेम आईपी एड्रेस वगैरह मिल चुका है। आपने सर्च बार में जाना है और यहाँ पर आकर आपने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन सर्च करना है। फिर आपने सिंपल यहाँ से अपना आईपी एड्रेस वगैरह कॉपी करना है। आईपी एड्रेस कॉपी करने के बाद यहाँ लाकर आपने उसको सिंपल पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से कनेक्ट नहीं करना, आपने शो ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी आरटीपी का यूजर नेम भी साथ ही लिख लेना है। आरटीपी का यूजर नेम डालने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल इसको अलाउ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले का, उसके साथ आपको ऑप्शन मिलेगा लोकल रिसोर्सेज का। यहाँ पर आने के बाद आपने इन दोनों को चेक कर लेना है, प्रिंटर्स को और क्लिपबोर्ड को। उसके बाद आपने मोर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके कंप्यूटर की जितनी भी ड्राइव्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब आपने उस ड्राइव को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो आप अपनी ड्राइव अपनी आरटीपी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने डी को सिलेक्ट किया हुआ है। आप जो भी ड्राइव सिलेक्ट करना चाहते हो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। उसके बाद आपने सिंपल ओके कर लेना है और यहाँ से आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। अगेन यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने जो आपका पासवर्ड है उसको भी कॉपी कर लेना है। एंड देन यहाँ से आपने यस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो पासवर्ड कॉपी किया था वो पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सिंपल आपने ओके पर क्लिक करना है। अब हमारी जो आरटीपी है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हमारी जो आरटीपी है वो लॉगिन हो चुकी है। अब डाटा ट्रांसफर करने के लिए आपने आ जाना है अपने माई कंप्यूटर में। यहाँ से मैं इसको बड़ा कर लूंगा और हम आ जाएंगे सिंपल दिस पीसी में। अब यहाँ पर ये जो दो ड्राइव्स हैं ये तो आपकी आरटीपी की है और यहाँ पर ये देखिए मेरी जो एक्सटर्नल डी ड्राइव है वो इसके साथ अटैच हो चुकी है। अब मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड तो ये है, अब आपने डाउनलोड में आ जाना है। अब यहाँ पर फिलहाल मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आपने जो भी डाटा यहाँ पर सेव किया होगा आपने सिंपल यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल अपनी इस ड्राइव के अंदर लाकर उसको जो आपकी अपनी ड्राइव है अपने कंप्यूटर की इसमें लाकर आपने उसको सिंपल पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब दूसरा मेथड बहुत ही कमाल का, और वो मेथड ये है कि आप जो भी अपनी आरटीपी के अंदर डाटा डाउनलोड करोगे वो आपकी आरटीपी में सेव होने के बजाय डायरेक्ट आपके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ही सेव होगा। तो वो मेथड आपको बता देता हूँ। उसके लिए सिंपल आपने अपने क्रोम ब्राउजर में आना है। उसके लिए एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आपने इसको बड़ा कर लेना है। यहाँ पर आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है और आपने सिंपल सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लोकेशन मिलेगी। आपने क्या करना है, आपने अपनी डाउनलोडिंग जो लोकेशन है वही आपने चेंज कर देनी है। आरटीपी की जगह आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर दिस पीसी में आना है। दिस पीसी में आने के बाद आपने अपनी जो ड्राइव इसके साथ अटैच की है सिंपल आपने उसको इसके साथ सेट कर देना है और यहाँ से आपने सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब आप इस क्रोम से जो चीज भी डाउनलोड करोगे वो डायरेक्ट आरटीपी में सेव होने के बजाय आपके पीसी या लैपटॉप में ही सेव होगी। बट इसका इश्यू ये होता है कि जब कोई भी चीज आप यहाँ पर डाउनलोड करोगे तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी। जो असल आरटीपी की डाउनलोडिंग स्पीड है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है। आप जैसे इसको यूज करना चाहो वो कर सकते हो। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और इस तरह डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये था आज की वीडियो का कंप्लीट मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो। अगर आप भी फ्री आरटीपी बनाना चाहते हो तो ये सारे वर्किंग मेथड है, आप हमारी वीडियो जाकर वॉच कर सकते हो और इस मेथड से फायदा हासिल कर सकते हो। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।